श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल मजवंड गोपालपुरा विखे कराए गए खेड मुकाबले अते सभ्याचारक प्रोग्राम बच्चों के सर्वपक्षी विकास अते मुकाबले की भावना पैदा करने के लिए श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल मजवंड गोपालपुरा विखे जो कि श्री खालसा दीवान अमृतसर की सरप्रस्ती हेठ चल रहा है बच्चों के खेड मुकाबले अते सभ्याचारक प्रोग्राम करवाए गए अते इस विच खास गल ये रही कि पहला तो प्रोग्राम शुरू करने के लिए अकाल पुरख का ओट आसरा लिया तो स्कूल नवी नवेली दुल्हन वांग सजाया गया अते इस विच बच्चों दिया रवायती खेडां करवाई गई अते इस तो अलावा बच्चों के पेरेंट्स विच भी कुछ मुकाबले कराए गए जिस तरह म्यूजिकल कुर्सी रेस अते होर मुकाबले करवाए गए अते बाद विच बच्चों वालों बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किया गया। इस वेले सरदार सुरिंदर सिंह जी कत्थू नंगल ऑनरेरी सकत्तर मैंबर अते इंचार्ज सरदार अजीत सिंह जी सरदार भगवंत पाल सिंह जी सच्चर इस मौके प्रिंसीपल मैडम परमजीत कौर वालों कहा गया कि गाहे बगाहे इस तरह के यतन किए जाते हैं जिस दे नाल बच्चों का सर्वपक्षी विकास भी हुंदा है ते मुकाबले की भावना भी जागती है। हाँ जी सर अज स्कूल वालों बड़ा वड्डा उपराला किया गया है सो किदां दा महसूस हो रहा है स्कूल की कारगुजारी नूं किदां देखदे हो? अज चीफ खालसा दीवान के अधीन साडा जिहड़ा श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल मजवंड है उहदे विच स्कूल दे साडे प्रिंसीपल साहब वालों ते मैंबर इंचार्ज साहिबान वालों बच्चों की स्पोर्ट्स मीट करवाई गई सी जिहदे विच उचेचे तौर पर साडे ऑनररी सैकटरी ते इस स्कूल के फाउंडर मैंबर सरदार सुरिंदर सिंह जी कत्थू नंगल ते उहनां दे नाल मैंबर इंचार्ज सरदार अजीत सिंह तुली जी ने शमूलियत की ते साडे नर्सरी के बच्चे यूकेजी के बच्चे सारे एलकेजी के बच्चों ने बहुत वधिया जिहड़ियां खेडां सन उहनां दे विच हिस्सा लिया नाल भंगड़ा ते गिद्धा टीम दे विच हिस्सा लिया। ये जिहड़ी साडी संस्था है ये सिर्फ विद्या के प्रसार ते सिक्खी दे प्रसार लई नहीं बल्कि नाल नाल ये खेडां दे विच भी पूरा योगदान पाउंदी है तां कि साडे जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने उहनां नूं स्पोर्ट्स दे विच भी लगन लगे। उस लड़ी दे तहत अज नन्ने मुन्ने छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सोहने ढंग दे नाल खेडां दे विच हिस्सा लिया ते उहनां ने किसी ने कोई फस्ट आया कोई सैकेंड आया तो सारिआं नूं ही साडे सरदार सुरिंदर सिंह जी कत्थू नंगल जिहड़े साडे ऑनररी सैकटरी ने उन्हां ने उन्हां नूं इनाम तकसीम कीते ने ते नाल उन्हां ने सारे स्कूल नूं ते खास तौर पर स्कूल के प्रिंसीपल मैडम परमजीत कौर नूं इस गल की वधाई ते शाबाश दित्ती है कि वह लगन दे नाल इस पेंडू खेत्र दे स्कूल नूं भी शहरां दे मुकाबले उन्हां ने नामवर स्कूल एक शामिल किया है। इस करके नाल ही असीं गुरु महाराज के चरणों में अरदास बेनती भी करते हैं कि सच्चे पातशाह प्रिंसीपल साहब ते स्टाफ ते स्कूल की मैनेजमेंट ते बच्चों के सिर ते मेहर भरे हाथ रखो ता कि बच्चे आने वाले समय के विद्या के भी तो खेडों के भी अपना यह साडे स्कूल का अपने सूबे पंजाब का खास तौर साडे चीफ खालसा दीवान का नाम रोशन कर। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। अच्छा मैम आज जिहड़ा प्रोग्राम करवाया गया है किस सिलसिले में कराया गया जी? ये जी छोटे बच्चे प्री प्राइमरी विंग दियाँ स्पोर्ट्स करवाई गई हैं दो रोज़ा प्रोग्राम से जिहड़ा कि कल एल के जी ते यू के जी के बच्चों दियाँ स्पोर्ट्स करवाई सी ते आज नर्सरी ते फर्स्ट क्लास के बच्चों दियाँ स्पोर्ट्स करवाई ने उहदे विच सारे बच्चों ने वध चढ़ के हिस्सा लिया है सारे बच्चों के पेरेंट्स भी उचेचे तौर पर पहुँचे ने और इस तो अलावा स्कूल के मैंबर इंचार्ज ते ऑनररी सैकटरी सरदार सुरिंदर सिंह जी कत्थू नंगल मैंबर इंचार्ज सरदार अजीत सिंह जी तुली ते सरदार भगवंत पाल सिंह जी सच्चर वो भी उचेचे तौर पर पहुंचे ने उन्होंने बच्चों उन्होंने हौसला अफजाई वास्ते बच्चों इनाम दिते ने ते नर्सरी क्लास के सारे बच्चों क्योंकि वह छोटे छोटे बच्चे ने अजे वो उन्होंने उन्नी समझ नहीं है पर फिर भी असं उन्होंने सब की हौसला अफजाई करने वास्ते सबनों छोटे छोटे गिफ्ट उन्होंने दिते ने। अच्छा मैम इलाके दे विच मजीठे हल्के दे विच आस पास दे पिंड ये पहला CBSE स्कूल हैगा है सो उस स्कूल दे नाल लोगों की काफ़ी मतलब पढ़ाई दे विच मदद मिली है सो आने वाले समय में कुछ लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहवागी कि चीफ खालसा दीवान ते स्कूल दे सारे मैंबर्स इंचार्ज उन्हां दी पूरी सपोर्ट है सानू और उन्हां दी सपोर्ट दे नाल ए स्कूल जिहड़ा हैगा शहरी इलाकियां दे नाल मिल के उन्हां उद्दां दे स्कूलां दा मुकाबला भी उन्हां दे नाल खड़ा होके कर रहा है। सो मेरी पेरेंट्स नूं ए रिक्वेस्ट है कि तुसीं वध तो वध बच्चे जिहड़े आ साडे स्कूल दे विच दाखल कराओ
क्योंकि असीं इत्थे सारियां शहरी सहूलतां बच्चों नूं प्रदान कर रहे हैं ते इस तों इलावा एकेडेमिक्स दे नाल नाल बच्चों नूं धार्मिक खेत्र विच खेडां दे विच और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दे विच इंटर हाउस स्कूल मुकाबलियां दे विच पार्टिसिपेट करवाया जांदा है ते जे पेरेंट्स साडे स्कूल दे विच वध चढ़ के अपने बच्चों नूं पाउणगे ते साडा और इलाके दा माण वधेगा और असीं उहनां दे बहुत धन्नवादी होवांगे। थैंक यू। हाँ जी सर, अज जो भी प्रोग्राम किया गया बच्चों की हौसला अफजाई की गई है, नाल दे नाल बच्चों के माँ प्यो की भी हौसला अफजाई की गई है। सो बड़ा शलाघाजोग वधिया काम किया है स्कूल मैनेजमेंट ने भी और स्कूल ने भी। सो की असी क्यास ला सकते कि आने वाले टाइम विच इहो जिहे इवेंट होंदे रहणगे? जी चीफ खालसा दीवान वालों जिहड़ा हरकृष्ण पब्लिक स्कूल गोपालपुरा दे विच जो अज स्पोर्ट्स मीट जिहड़ी छोटे बच्चों की करवाई गई है और बहुत ही सुचजे ढंग नाल सारे बच्चों ने और टीचर साहबान वालों ये सारा जिहड़ा स्पोर्ट्स मीट का आयोजन जिहड़ा किया बड़ा सोहने तरीके नाल इहनूं संपन्न किया गया और बच्चों ने भी बहुत अच्छे तरीके नाल जिहड़ा स्पोर्ट्स दे विच हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा उपराला जिहड़ा किया है और ये साडा जिहड़ा इवेंट है असी तकरीबन हरेक साल ही करते हाँ और सीनियर बच्चों का भी करते हैं और यूनियर बच्चों का भी करते हैं और ये सारा उपराला जिहड़ा ये साढ़े बाकी भी सारे जिहड़े चीफ खालसा दीवान दे स्कूल है उन्होंने वालों भी किया जाता है। सर कोई संदेश? संदेश ये है भी बच्चों जे असी स्पोर्ट्स वाले पासे लगावांगे तो जिहड़े ये नशा वल जिहड़े नहीं जाणगे और पेरेंट्स नूं भी जिहड़ा ये संदेश देना चाहुंदा भी इन्हां बच्चों नूं स्पोर्ट्स दे विच जिहड़ा इन्हां दा हुनर है उहनूं होर वधाना जिहड़ा इन्हां लई फायदेमंद होएगा, इन्हां दी सेहत ठीक रहेगी ते विद्या भी जिहड़ी अच्छी तरीके नाल कर पाएंगे। धन्यवाद जी। हाँ जी सर, अज गोपालपुरा विच एक प्रोग्राम किया गया बच्चों नूं हौसला अफजाई की गई, उन्हां दी स्पोर्ट्स डे मनाया गया, सर उहदे बारे कुछ कहना चाहोगे? चीफ खालसा दीवान की सारी टीम आज गोपालपुरा मजवेंट पहुँच के इत्थे जो खेडां दा ते भंगड़ा गिद्धे दा प्रोग्राम सी छोटे छोटे बच्चों नूं वेख के बहुत खुशी हुई और स्कूल वालिया ने बहुत चंगे ढंग दा सारा कुछ करवाया और उन्हां बच्चों ने भी बहुत वधिया ढंग नाल कीता जिहदे नाल के बहुत खुशी हुई। वड्डे बच्चे तो करते ही ने लेकिन इत्थे जो कुछ करवाया गया छोटे छोटे बच्चों को करवाया गया जिहड़ा कि करवाना भी औखा हुंदा ते करना भी बच्चों वास्ते औखा हुंदा क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी गल नहीं समझ सकते ते इस वास्ते इन्हां ने बहुत वधिया प्रोग्राम कीता वा और इस धरती ते बाबा बुढ़ा जी ते इहो जिहियां कारवाइयां हुंदियां रहन और बच्चे साडे वधदे फुलदे रहन ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣ। ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਇਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਸਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜੂਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।